स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट फॉर वंस आई सो ए लिटल बर्ड की एक्सरसाइज वर्कबुक में करेंगे. ओके, क्वेश्चन है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स. ओके, हमें पता है कि जो राइट आंसर है वो हमें बॉक्स में लिखना है, मतलब कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है. फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड सी. सी मतलब देखना, चाइल्ड मतलब बच्चा. बच्चे ने क्या देखा? तो ए लिटल बर्ड, एक छोटा सा पक्षी उसने देखा, तो आंसर आएगा ए. ओके, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है द लिटल बर्ड केम. केम मतलब आना. ब्लैंक कैसे आया? तो होप होप होप, तो आंसर आएगा डी. What did the child ask the bird to do? बच्चे ने पक्षी को क्या करने के लिए कहा? तो stop, रुक जाओ, ऐसा बोला. ओके, तो आंसर आएगा बी. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है What did the child want to say to the bird? Want मतलब चाहना, say मतलब बोलना. बालक पक्षी से क्या बोलना चाहता था? तो how do you do? ओके, तो आंसर आएगा सी. फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है द बर्ड सुक ही. सुक मतलब हिलाना. बर्ड ने क्या हिलाया? तो टेल, उसकी पूंछ हिलाई. तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, टेल. सिक्स्थ नंबर का लास्ट वाला क्वेश्चन है द बर्ड सुक हिज टेल. बर्ड ने उसकी पूंछ हिलाई एंड ब्लैंक अवे. और ब्लैंक अवे मतलब फ्लू आएगा यहाँ पे आंसर, उड़ गया. फ्लू अवे मतलब उड़ गया, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी. अब ये जो राइमिंग वर्ड है वो आपको घर पे अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसे कि होप मोप स्टॉप सोप, बेक क्ले रे से, नेल मेल पेल टेल, बिल फिल हिल पिल, बुक कुक लुक शुक. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द ऑड वर्ड इन ईच सेट. यहाँ पे जो ऑड वर्ड है उस पर हमें सर्कल बनाना है. ओके, जैसे कि यहाँ पे डबल ओ के है, यहाँ पे भी डबल ओ के है, यहाँ पे भी डबल ओ के है, लेकिन यहाँ पे डबल ओ टी है, तो ये ऑड हो गया, तो उस पर सर्कल बनाना है. शुक लुक बुक, लेकिन यहाँ पे होगा बुट. ओके, तो टी अलग हो गया, तो यहाँ पे सर्कल बनेगा. शुक सॉप स्टॉप होप, तो यहाँ पे राइम हो रहा है, देखो कि सॉप स्टॉप होप ओपी सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सुक, तो ये ऑड है. टेल बॉल नेल पेल, तो बॉल अलग है, तो उस पर सर्कल आएगा. क्ले रे बाय से, तो इन सब में ए वाई है, यहाँ पे यू आई है, तो ये अलग है, तो सर्कल करना है उस पर. सेल बिल हिल टील, तो यहाँ पे सेल पे सर्कल करना है. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स. यहाँ पे जो बॉक्स दिए हैं उसमें हमें सही आंसर लिखना है. फर्स्ट नंबर का है यू मस्ट ब्लैंक टॉकिंग इन द क्लास, तो हमें क्लास में बात नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे स्टॉप. ओके, सी आंसर आएगा. सेकंड है द एलिफेंट हैज़ ए शॉर्ट ब्लैंक. एलिफेंट के पास छोटा सा क्या होता है? तो टेल, पूंछ होती है, तो आंसर आएगा बी. थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जैक एंड जिल वेंट अप द ब्लैंक, तो यहाँ पे आएगा हिल. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ब्लैंक एट द लिटल बर्ड, लिटल बर्ड को देखो, तो लुक आएगा, देखना मतलब लुक, तो आंसर आएगा ए. फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है डू यू ब्लैंक इन द मॉर्निंग, हम मॉर्निंग में क्या करते हैं? मॉर्निंग में तो प्रे. ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रे. ओके, प्रे मतलब प्रार्थना, तो आंसर आएगा ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर. ड्रॉ मतलब कि आप ड्रॉ करो, या पेस्ट मतलब कि चिपकाओ या लगाओ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड, आपकी जो फेवरेट पक्षी है उसका पिक्चर या तो ड्रॉ करो या तो उसका पिक्चर चिपकाओ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस एंड कलर द पिक्चर. यहाँ पे आपको जो सेंटेंसेस दिए हैं वो आपको रीड करने हैं, और यहाँ पे आपको ये जो ड्राइंग दी है, पिक्चर दिया है, उसमें कलर करना है उसके अकॉर्डिंग. जैसे कि फर्स्ट नंबर क्या है, द रूफ इज ब्राउन. रूफ मतलब छत. ओके, ये वाला तो वो ब्राउन कलर की है, तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर करना है. द चिमनी इज ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक कलर करना है. The walls are yellow, ये जो walls है वहाँ पे आपको येल्लो कलर करना है. The windows are red, windows मतलब भारी है, तो यहाँ पे रेड कलर करना है. walls मतलब दीवार, तो ये जो दीवार है उस पर येल्लो कलर करना है.
द डोर इज ब्लू. डोर मतलब दरवाजा, डोर मतलब दरवाजा, तो दरवाजा पे ब्लू कलर करना है. द प्लांट्स आर ग्रीन, ये जो प्लांट है वो ग्रीन होता है, हमें पता है. ओके तो यहाँ पे ग्रीन कलर करना है. ओके क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें सिग्नल लाइट्स दिए हैं, हमें रीड करना है कि कौन सी सिग्नल लाइट हमें क्या मैसेज देती है. ओके और यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. यहाँ पे 3 लाइट्स होती है सिग्नल की, ग्रीन और सॉरी रेड, येलो और ग्रीन. स्टॉप से इज द रेड लाइट, रेड लाइट होती है वो बोलती है रुक जाओ, स्टॉप. गो से इज द ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट बोलती है जाओ. वेट से इज द येलो लाइट, येलो लाइट बोलती है कि वेट करो. ओके ब्लिंकिंग इन बिटवीन. कलर द ट्रैफिक लाइट, यहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट है उसमें कलर करना है. जैसे कि स्टॉप, तो स्टॉप कौन सी लाइट बोलती है, रेड लाइट. वेट, वेट कौन सी लाइट बोलती है, येलो लाइट. गो, गो कौन सी लाइट बोलती है, तो ग्रीन लाइट. ओके तो यहाँ पे अकॉर्डिंग आपको कलर करना है. कंप्लीट द सेंटेंसेस. से इज द रेड लाइट, रेड लाइट क्या बोलती है, स्टॉप. से इज द ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट क्या बोलती है, गो. से इज द येलो लाइट, येलो लाइट क्या बोलती है, वेट. ओके ये आप एक्सरसाइज आपको अपने वर्कबुक में कंप्लीट करनी है.